बुलावा तो बेशुमार आइल बा, बुलावा तो बेशुमार आइल बा। सुननी है कि नया सिपाह सलार आइल बा, सुननी है कि नया सिपाह सलार आइल बा। निजाम बदले लागल बा हाजियन के, निजाम बदले लागल बा हाजियन के। सुननी है कि शहर में नया चिड़ी मार आइल बा। गोर लागत नहीं हेरा से अभिनंदन मारू लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खुटा ठोक के। अब जो चार गो लाइन रुआ के सुनोनी है नो, ये आज के हमार ना हो, ये हम केहू से उधारे ले बानी, उधार के से ले बानी रुआ के बताए तनी। ये संपादक नमन मिश्रा जी के लाइन हो जो आज से बहुत पहले 2014 में लिखले रहन, वही घड़ी से ये हम बचा के रखले रही कि फिर कब मौका आवत रुए एकरा के प्रयोग कल जाए। अब आज रुआ बुझ गए लोग कि नया निजाम बदल बड़ुए रुआ, सब बात समझौता नहीं। अब ये बात के समझला के संगे संगे रुआ यो बात बुझ ले बानी कि भाजपा और लालू में जो लड़ाई नया शुरू हो गई बा, ये लड़ाई कहाँ जाई, कहाँ जाके ओरियाई। ये सही बात कहनी है कि अब नीतीश कुमार के संगे लड़ाई थम गई बा। लड़ाई केकरा संगे शुरू हो गई बा, तो भाजपा संगे आज तेजस्वी यादव संगे लालू प्रसाद संगे ये लड़ाई शुरू हो गई बा। एकरा पीछे के कारण रुआ बुझा गई हुई स्थिति ऐसा बा कि 2020 के जो चुनाव आइल बा ओकरा पहले यह बात के पूरा पूरा भरोसा रहे तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद के भी, उनका पूरा परिवार के, कि अब के तेजस्वी यादव ओह पार हो जाई हैं, यानी कि सत्ता के करीब पहुंच जाई हैं। हालांकि लगभग पहुंच गए रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन्हें रले हैं। अभी नीतीश कुमार चाहे जितना भी रुआ नहीं सुन ले कि मरलो हाथी 1.25 लाख के, नीतीश कुमार के कतनों रुआ कमजोर कर दे जब तक ले पूरी तरह से समाप्त ना करो पनक जी हैं। ऐसा ना शर्त पहले ही भारतीय जनता पार्टी से रखवा ले रहन कि भारतीय जनता पार्टी के कतनों सीट आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनी है। आज ऐसा स्टेज में बाई बिहार कि भारतीय जनता पार्टी चाह के भी कुछ वो ना कर सकेले, कुछ वो ऐसे ना कर सकेले कि नीतीश कुमार जी के जो स्थिति बा वो स्थिति वो लायक बढ़ुए कि वो अभी चाहस आ तनी मनी मन बदल देस तो उनका संगे सरकार बनावे खातिर महागठबंधन तैयार हो जाए, या फिर ऐसा कोनो रच दी है खेला जनों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ये दोनों आपस में भिड़ंत करे खातिर, आपस में आमने सामने करे खातिर नीतीश कुमार के ओरियावे के फेरा में पड़ गिल बा। अब ये पूरे मामला में रुआ देख लो कि कौना स्थिति में सब चलत हुए। एक तरफ जहां लालू प्रसाद दिल्ली में लोग के जुटान करे में लाग गिल बड़े, ये बात अब चर्चा के विषय हो गई बा। और ये चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के कान जरूर खड़ा हो गई बा। हालांकि नीतीश कुमार के भी तैयारी जबरदस्त बा कि अगर मौका मिलता या कुछ हो जाता तो वो अपन स्टैंड क्लियर रखस, अपन खूंटा मजबूत गाड़ के रखस। भारतीय जनता पार्टी ये बात बुझत रहे कि लालू प्रसाद के समय अब खत्म हो गई बा, लेकिन लालू प्रसाद अचानक से जो प्रयोग करे लगले और जितना वो तेजी से विपक्ष के एकजुट करे में लाग गई है, अब तक ले 18-19 गो पार्टी के एकजुट कर ले बड़े, एक और कर ले बड़े। अब खाली ओकरा में फाइनल स्टेज के जरूरत बा। रोल से पहले ही बता रहे हैं कि G23 जोन बा 23 गो अलग अलग पार्टी के आपस में जुटावे के पूरा प्लान बा भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के। अब एकरा में केकर केकर नाम बा रोल को पहले ही बता दे रही, लेकिन इस सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी को नया दाव चल दिलस। वो नया दाव बा कि वो लालू के संगे सीधे भिड़ंत करे खातिर तैयारी बा। और लालू प्रसाद भी बुझता रहे कि नीतीश कुमार से लड़ला से कोनो फायदा नहीं के, पहले लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़े के पड़ी, ऐसे कि जो बड़ा लड़ाई लड़े के बा आगे लंबा समय चले के बा, राजनीति में अपना जो उत्तराधिकारी बा उनका स्थापित करे के बा, तो निश्चित रूप से उनका लड़ाई गंभीर लड़े के पड़ी। और या तो लौट लौट समझौता के तरफ बढ़ जा भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद के पार्टी, या फिर दोनों लड़त लड़त एक दूसरा से कट्टर दुश्मन हो जास कि जब लड़ाई के युद्ध के बात होके तो यही दोनों के चर्चा होके। अब इस सब में रुआ देख लो कब कि बीच में लालू प्रसाद चिराग पासवान के बड़ाई कैले रहन। चिराग पासवान के बड़ाई करे के पीछे रुआ जानत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के स्थिति में बा। चिराग पासवान के पार्टी के अलग और खंड खंड करे के दोष जो लागल तो नीतीश कुमार पर लागल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुपचाप से यह बात के देखलस कि पलड़ा केने भारी बा, तो सांसद तो उन्हें पारस देने भारी बाड़े, लेकिन
जोन जनाधार बा वोट बा उ चिराग देने भारी बा, ऐसे दोनों जना के अभी पलड़ा पर बराबर रख ले बा केनियो भारतीय जनता पार्टी कबहू पसंगा रख सकेले। जेने पसंगा रख दी उन्हें ओकर भार बेसी हो जाई और उहे ओकरा खेमा में चल जाई। चिराग पासवान भी अभी बड़ा सोच समझ करके अपन रणनीतिक बना रहल बा ना, उ एने महागठबंधन के यानी कि आरजेडी के दुखी कल चाहता रहन आ ना भारतीय जनता पार्टी के दुखी कल चाहता रहन। दोनों आदमी के कॉमन दुश्मन यानी कि भाजपा के भी कॉमन दुश्मन और चिराग पासवान के कॉमन दुश्मन नीतीश कुमार वाले। भले भारतीय जनता पार्टी के बात के कहो मत, लेकिन बिहार से भारतीय जनता पार्टी के जितना नेता वाले वो कुल यह चाहता रहनों कि नीतीश कुमार से कसहू पिंड छूटो। कारण कि वह देख ले रही कि जो पिछिलका जो चलत रहे पीढ़ी वो पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी हटा दिले बा। अब नया पीढ़ी आई बा, नया पीढ़ी कौना तरीका से नीतीश कुमार से व्यवहार करता इहो रुआ से अछूता नहीं खे। रोज सहयोग कार्यक्रम में रुआ देखे रहल बानी कि का हो रहल बा, लगातार नीतीश कुमार पर हमला हो रहल बा और नीतीश कुमार के वो जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया बा कि एह पार चाहे वह पार। अब ये सब में रुआ लोग से पहले बतौले रही कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो 2020 के चुनाव के बाद या ओकरा पहले से जो नीति चल रहा बा ओकरा में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे ये बात के समझ गई बा कि अगर बिहार में ओकरा सत्ता चाही और नीतीश कुमार से पीछे छोड़ा के चाही तो ओकरा आरजेडी से सीधा लड़ाई में सामने आवे के पड़ी। लड़ाई नेक टू नेक फिनिश भइल बा, 75 और 74 सीट दोनों जना के आइल बा, माने एक नंबर और दो नंबर के पार्टी भइल बाड़े, तीसरा नंबर और चौथा नंबर चाहे जे हो जाओ, लेकिन इतना तय नजर आवता कि कोनो सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वेट एंड वाच के स्थिति में बा और नीतीश कुमार के संगे लंबा पारी खेले के तैयारी में नहीं खे। एकरा बीच में एगो उत्तर प्रदेश के चुनाव बा, एकरा बाद गुजरात के चुनाव बा और भी कई राज्य में चुनाव बा, लेकिन 2022 में जो चुनाव हुई वो चुनाव ये बात के निर्णय करी कि केंद्र में आखिर सरकार केकर बनी आवे वाला 2024 में। ओकर तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी कर दिले बा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक के तैयारी करेला। अब ये सारा चीज के रुआ अलगे छाट के देखी, रुआ समझिए बात के कि लालू प्रसाद के लगे MY समीकरण बा यानी 30% वोट उनका लगे बा। एकरा संगे संगे भाजपा के लगे हिंदुत्व वाला वोट बा, वो हिंदुत्व के कैसे हूँ पोलराइजेशन करके या फिर एजेंडा लगा करके वो अपन हिंदुत्व वाला वोट के अपना तरफ करे के कोशिश करला तो एकरो लगभग 30% के आसपास बा। काल रुवा लोग के खूब बढ़िया से इस सब चीज़ के हिगरा हिगरा के समझौले रही। नीतीश कुमार बाकी बात ज्यादा, नीतीश कुमार के लगे रुआ पता बा कि उनका लगे EBC बा, एगो सुशासन के छवि उनकर बा जौन की लोग अभी भी भुला नहीं के पाओ। और तीसरका सबसे महत्वपूर्ण चीज बा कि आधा आबादी जौन बिहार के बारे वो आधा आबादी पर वो अपना आधिपत्य समझेले, चाहे जना रूप में समझी, जीविका दीदी के रूप में समझी या अन्य रूप में समझी, आंगनबाड़ी सेविका समझी, लेकिन ये सब लोग के जुटा के ओकरा बाद शराबबंदी एगो ऐसा मुद्दा बा जना के नीतीश कुमार समझेले। ओकरा बाद 35% महिला लोग के आरक्षण सरकारी नौकरी में बा, एकरा बाद 50% आरक्षण हुआ देखा नहीं कि पंचायत चुनाव में दे दिले बाड़े। एकरा मतलब कि महिला के जो वोट बा वो नीतीश कुमार अपना तरफ उठियावे के फेरा में पूरा लग गई बाड़े। अब एकरे के तूरे के बा तो एकरे के तूरे खातिर ये दोनों अपन प्लानिंग बना रहल बाड़े और ये प्लानिंग के तहत ही रुआ देख लो कि OBC जेकरा सबसे अधिक आरक्षण प्राप्त बा वो खेमा के कैसे खंड खंड कर जाओ, कैसे ओकरा के अपना पक्ष में कर जाओ, ओकरा खातिर भारतीय जनता पार्टी काल्हे रुआ देखनी कि कैसे कानून पास कैलस। सदन के अंतिम दिन ये कानून दोनों सदन में पास हो गई, भले झमेला भइल जाए चाहे जे भइल, लेकिन पास कराने में सफल हो गई। अब स्थिति जौन बा कि 15-16 साल से ये बात के हमेशा चल रहा बा कि नंबर एक आ नंबर दू के होई, नंबर एक के बनी नंबर दू के बनी। तो अब तक ले स्थिति यह रहा कि नंबर एक पर नीतीश कुमार रहे हा, लेकिन पहला हाली नंबर दू भी ना नंबर तीन पर खदरा गिल बड़े। एकरा संगे संगे कुछ हद तक रुआ इहो बात देखल हो कि लालू प्रसाद के जमीन पर 2020 में भले 2019 में बुरी तरह हार गई ले, लेकिन 2020 में अपन मजबूत खूंटा तेजस्वी यादव गाड़ दिले। लालू प्रसाद के जमीन पर खूंटा गाड़ला के ही नतीजा रहे कि भले उनका 2015 से तनी कम सीट आई, लेकिन 75 सीट ले आकर के सबसे टॉप पर रहले और अपना गठबंधन के साथी लोग के भी मिला जुला के ठीक ठाक। खाली कांग्रेस के अगर बात करी तो कांग्रेस पिछड़ गई आ ना तो खेला तो हो गिरला।
एकरा बाद रुआ समझी कि अब भारतीय जनता पार्टी यही बात के जोड़ घटा गुना कर रहा बिया कि कतना वोट नीतीश कुमार के ट्रांसफर हमरा देने भइल, या तो नीतीश कुमार के डैमेज करे वाला काम में सफलता मिलल, कहीं भी वोट ट्रांसफर के स्थिति ऐसा ना भइल कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए। कारण कि पहले ही से ये हड़हो मच गई रहे कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार के डैमेज करे के पूरा तैयारी कर दिले बा। अब इस सब बात समझला बुझला के बाद रुआ देखत होगा कि जदयू के भीतर भी हड़होड़ मचल बा। जदयू के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सेंधमारी जरूर करवा दिले बा। चिराग पासवान के लेकर के जौन डैमेज कैलस ओकरा बाद आर सी पी सिंह एगो ऐसा हथियार मिल गई है कि जौन भीतरे रह करके आ मारक काम कैले। अब उनकर खेमा अलगे बा, पोस्टर बार से रुआ पता चल रही, अन्य बात से पता चल रही, खास करके रुआ यह बात से भी पता चल रही कि उनका से जबरिया ललन सिंह के नाम प्रस्तावित करावल गई जना से कि पार्टी में संदेश जाओ कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक बा। अब ये सब बात के लेकर के रुआ याद हुई कि तीन दिन पहले से झमेला चल रहा बा कि पोस्टर में ललन सिंह गायब हो गई है। अलगे रुआ देखता नहीं कि कौना तरीका से नीतीश कुमार के पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह में अकेला अकेले में मुलाकात हो रहा बा, वो मुलाकात से और लोग के अलगे रखल गई बा। अब इस सब बात ले आकर के एक जगह जब खड़ा करता नू तो रुआ ये बात बुझा गई हुई कि जैसे ही नया निजाम बदलल यानी कि जदयू के आकार बदलल स्वरूप बदलल तो शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार का कैल चाहता रहे, यानी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद के पार्टी आरजेडी दोनों से समान दूरी बनावे के फेरा में पड़ गई बाड़े। भले सरकार में बाड़े वो एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी ओकर बड़ा पार्टनर बा, यह मजबूरी में वो कुछ ना बोलस खुल के, लेकिन दोनों तरफ से तलवार तो जरूर घिंच गई बा। अब एकर परिणाम का होई इरुआ खूब बढ़िया से समझ रहा बानी और जौना तरीका से लालू और भाजपा के बीच में छिड़ गई बा लड़ाई, यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि भैया अब बुझाता कि नीतीश कुमार के कुर्सी छिनाई, कुर्सी चाहे जैसे भी छिनाओ, लेकिन यह बात के रूप मान के चली कि 2022 के चुनाव से एगो बड़ा फैसला होखे वाला बा और ये बड़ा फैसला हो सकला कि नीतीश कुमार जी के बिहार के सत्ता से विदाई से भी शुरुआत हो सकेला। कारण कि भारतीय जनता पार्टी कोनो सूरत में अब नीतीश कुमार से पिछुआए के या उनका से उनका डैमेज बर्दाश्त करे के स्थिति में नहीं थे और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हो सकेला कि नीतीश कुमार कोनो घात कर दे ओकरा पहले ही भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई में सीधे तौर पे अपना के आजमावल चाहता। भले ही विपक्ष के साथ साझा विपक्ष के साथ वो लड़ के हारो भाजी तो, लेकिन नीतीश कुमार अगर साथे ना रहता रहे तो घात जरूर कर दी है। ऐसे कि नीतीश कुमार पहले ही कह दिले बाड़े कि उत्तर प्रदेश में जो नया उनका सिपा सलार आए बाड़े वो स्पष्ट कर दिले बाड़े कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी हैं और एक खातिर वो फील्डिंग भी लगा दिले बाड़े, केसी त्यागी लगातार वो फील्डिंग में पीछे खड़ा बाड़े। यानी कि रुआ जानता नहीं कि जब दुश्मन रहला सामने तो लड़ाई बड़ा मजेदार होला और लड़ाई के तरीका भी पता होला कि लड़ाई हमरा कैसे दुश्मन से लड़े के बा। लेकिन अगर घात रुआ भीतरी के आदमी कह दे राहुल मित्र घात कह दे तो रुआ बुझेबो ना करी और रुआ बुरी तरह से हार जाए, जैसे 2020 में रुआ देखले हो कि नीतीश कुमार के हाल भई रहे कि उनकर दोस्ते उनका संगे घात कैले रहे जो नीतीश कुमार बात कहलहूँ रहन। अब उहे चीज आवे वाला समय में डेरा रहल भारतीय जनता पार्टी की जब हम कही तो नीतीश कुमार काहे ना पलटी मरी हैं, तो एक पहले ही नीतीश कुमार के मैंने उरुए के तरह तो लौखिए खोदा गई वाला हाल बा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब के लिए 74 गो सीट ले आकर के समझ गई बा कि नीतीश कुमार के छोड़ के भी वो या तो सत्ता में रह सकेला या फिर मुख्य विपक्षी दल बन सकेला। अब एक में आगे का अपडेट हुई ये तो आवे वाला समय बताई, लेकिन जौन भीतरी से इशारा आ रहा बा, जौन सूत्र बता रहा बड़े वो यह बता रहा बड़े कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेरा में जरूर पड़ल बड़े और यही कारण से वो बार बार विपक्ष के संगे खड़ा होकर के हुले ले कैले बड़न जातीय जनगणना पर, जनसंख्या नियंत्रण उनका माथा पर ठेका ठुका रहा बा। वही बीच में एगो लॉलीपॉप जौन कहाला ओबीसी आरक्षण के राज्य के अधिकार दे करके भारतीय जनता पार्टी आपन गोटी तो सेट कहिए दिलस, लेकिन संगे संगे नीतीश कुमार के बड़का फेरा में डाल दिया कि अब अगर ओबीसी आरक्षण में तनिकियो छेड़छाड़ नीतीश कुमार करी हैं, अगर कहीं लौकुश समीकरण के ओमे विशेष अधिकार देवे के कोशिश करी हैं, तो वही मान के चली
कि लालू प्रसाद के जो टीम बा ओबीसी के बीच में, यानी कि यादव समाज और अन्य समाज, वो छोड़े वाला नहीं है। एकरा मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल नीतीश कुमार के हो गई बा। अब नीतीश कुमार एकरा से कैसे निकली हैं, हालांकि नीतीश कुमार के कमजोर समझल भी हो सकेला कि बहुत बड़ा गलती हो के, कारण कि नीतीश कुमार बीच मैदान में ऐसा ऐसा दाव खेल जाले कि जहाँ दाव के रुआ लोग के जानकारी ना होके, उनका दुश्मन तो खास करके ना जानस, रुआ के जानत रहे कि 2013 में वो भाजपा के छोड़ के अल 2017 में धली हैं। नीतीश कुमार के संगे तो यही चलते जुड़ल रहन लालू प्रसाद कि अब उनकर आगे के राजनीति सत्ता से जुड़ल रही, लेकिन झटका दे दिले, दुइयो साल ना संगे टिक पौले और 2017 में झटका दे दिले। अब ई बात से छनकल तो दोनों बारे, भारतीय जनता पार्टी भी छनकल बा नीतीश कुमार से और RJD भी छनकल बा। अब ये छनकला में आगे का रणनीति होई, दोनों मिलकर के का गोटी सेट कर रहल बाड़े, कहीं नीतीश कुमार के आउट करे के प्लान तो नहीं खे। आज खुटा ठोक में रुआ के यही सवाल के संगे छोड़ के जाता नहीं, ये सवाल के जवाब रुआ से हमरा जरूर चाहिए। रुआ का सोचता नहीं कि का नीतीश कुमार के समय पूरा हो गई बा, का भारतीय जनता पार्टी और RJD उनका के सत्ता से बाहर करे के पूरा प्लान बना ले बा। अगर ऐसा रुआ सोचता नहीं या एकरा अलावे भी कोनो विचार बा तो जरूर लिखब सभे। फिर कल भेंट करे के वादा के संगे गोर लागतनी। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।